हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सब ठीक होगा आई होप। आज मैं आप सबके साथ बनाने जा रही हूँ दाल वाला दलिया, जो दाल और दलिये का कॉम्बिनेशन है। तो आज मैं आपके साथ बनाऊंगी दाल वाला दलिया। तो चलिए हमारे साथ आज हम कैसे बनाते हैं दाल वाला दलिया, तो फटाफट से चलिए मेरे साथ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले ताकि मेरे आने वाले वीडियो सारे आप तक पहुंच सके। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ दाल वाला दलिया, जो कि बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल से है। ये हमने 2 कटोरी दलिया ले लिया है, 1 कटोरी दाल ले ली है, ये मूंग की धुली दाल है, 1 कटोरी मटर, 1 बड़ा आलू, 1 प्याज, 3-4 कलियाँ लहसुन और 1 टमाटर, और कुछ मसाले, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, जीरा और गरम मसाला और रिफाइंड, ये सब चीज़ें हमें चाहिए दलिया बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। हमने ये गैस ऑन कर लिया है और अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच रिफाइंड के डालेंगे, और इस रिफाइंड को गर्म होने देंगे। ये हमारा रिफाइंड थोड़ा गर्म होने लग गया। अब गाइस ये गर्म हो चुका है, तो हम इसमें 1 टीस्पून ये जीरा डाल देते हैं। हमारा जीरा क्रैकर करते ही हमने इसमें लहसुन डालना है, ये हमारा कटा हुआ लहसुन। इस लहसुन को थोड़ा सा हमने भूनना है, और इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा टाइम के लिए फ्राई करेंगे। और जैसे ही थोड़े प्याज पिंक होंगे, इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। अब टमाटर के साथ 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। देखिए ये दलिया जो बन रहा है ये दाल का है और बड़ा ही यूनिक है। अब इसमें हम थोड़े मटर भी डाल देंगे, हरे मटर जो 1 कटोरी हमने निकाले थे, और अब हमने इसको फ्राई कर लेना है इन तीनों चीज़ों को। 2 मिनट के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। अभी हमने इसमें आलू डाल दिए कटे हुए। अब हमने इसको 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करना है। व्यूअर्स, हमने अब ये दाल जो है 1 कटोरी दाल ली थी वो हमने धो लिया अच्छी तरह, ये मूंग धुली दाल धो के रेडी। और अब हम 5 मिनट हो चुके हैं हमारे, आलू थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें दाल इस सारी दाल को हमने 1 कटोरी में दाल धोई है वो डाल देंगे इसमें। अब हमने ये दाल डाल ली और अब हम इसके साथ ही 2 कटोरी दलिया डाल रहे हैं। 1 कटोरी मैंने डाल दिया है और ये 2 कटोरी दलिया और 1 कटोरी दाल का रेशो जो था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए। देखिए गाइस, ये रेसिपी जो है ये चावलों से भी बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें हमने दलिये का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारा भून रहा है दलिया, और हम साथ में हम इसमें मसाले डालेंगे।
इसमें हमने दो टीस्पून और ये तीन टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून के करीब हल्दी, वन टी स्पून सूखा धनिया और हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल दिया है। और अब हम इसे चलाएंगे। और गाइस अब हम इसमें पानी ऐड ऑन करेंगे। इस पानी में हमने पांच कटोरियां, छह कटोरी तो हमने, क्योंकि दो कटोरी हमारा दलिया था तो हम छह कटोरी इसमें पानी लेंगे और एक कटोरी हमारी दाल थी तो तीन कटोरी हमने ये पानी लेना है। डाली जाएगी अब इसके अंदर। अब इसमें अब हम पानी डाल रहे हैं। अब हमने इसमें नौ कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको फेर के और उसको बंद कर देंगे और इसमें एक विसल लगा लेंगे। अब हमने ये कुकर बंद कर दिया और एक विसल तक का वेट करेंगे। तो अब हम व्यूअर्स, हमारा ये बन के रेडी है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, थोड़े कच्चे प्याज और एक चम्मच देसी घी। और ये हमारा आज दाल का दलिया बनकर रेडी है। गाइस इसको टेस्ट करके देखिएगा, बिल्कुल चावल की तरह बनता है ये। देखिए अब ये घी हमने इसके ऊपर डाल दिया है और ये रेडी है हमारा आज दाल वाला दलिया, जो कि हमने चावल स्टाइल में बनाया है।